बहुत अच्छा मैक, अच्छा कर रही हो। अच्छा कर रही हो, बहुत बढ़िया। सर सर सर, एक बात बताइए, ये बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कोई टफ है क्या? अच्छी फिजिक के लिए मैं जिम करूं या फिर बॉक्सिंग? मैक, तू प्रैक्टिस चालू रख, मैं आता हूं। सर बताइए तो। अरे सर, कहाँ जा रहे हैं? सर सर सर, एक बार सर बताइए तो। सर, इसको क्या चाहिए? कल शौर्य का बर्थडे है और हम लोग सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं। अरे, उसने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। सरप्राइज पार्टी है, उसको भी नहीं पता। लेकिन यार, उसने तुम्हें बर्थडे के बारे में क्यों नहीं पता? रियली डोंट केयर, बट अगर तुम बर्थडे में नहीं आई तो आई गेस शौर्य को पार्टी अधूरी लगेगी, तो प्लीज पार्टी में आ जाना। और हाँ, लोकेशन और टाइम मैंने मैसेज कर दिया, ठीक है? सी यू। देख रही है, मेरी मदद करना। अभी अभी दो दिन पहले बवाल हुआ है और तू फिर निकल पड़ी। देख, मेरी बात मान, रात को बाहर ना जा, वरना तेरा कॉलेज जाना भी बंद हो जाना है। देख, उसका ना जन्मदिन है और वो होता है ना, वो जो जन्मदिन के लिए पार्टी रखते हैं लेकिन बताते नहीं। सरप्राइज पार्टी? हाँ वही। अब उसमें तो जाना पड़ेगा ही ना, मजबूरी भी है और फिर शौर्य भी खुश नहीं होगा अगर मैं नहीं गई तो। प्लीज, अरे अब सोच विचार करने का टाइम ना है, मेरी मदद कर। मोहब्बत तेरी, मजे करे तू और मरूंगी मैं, ये सही है। जब मेरी बारी आएगी ना तो मैं भी तेरी मदद करूंगी, देख लियो। मेरी बारी आने तक मैं बचूंगी तब ना, तू यहाँ से गई नहीं कि बाहर से जूते मुझ पे चलना शुरू हो जाने। किसी को पता नहीं पड़ेगा, इस बार सावधानी बरतेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, मत कर दे प्लीज। ठीक है, जा कर मजे, मैं करती हूँ कुछ। ठीक है। अंकल, यहाँ सब सेट है, वो आ गई है। आज आपका काम हो जाएगा अंकल, एक बार कॉलेज में इसकी फोटो सर्कुलेट हो जाए। फिर तो कॉलेज क्या, पूरे शहर से ही आओ, आई प्रॉमिस अंकल। या तो मैं किसी को जानती नहीं, शौर्य कहाँ है? शौर्य के बिना मैं यहाँ क्या करूंगी? पानी क्रैश तो नहीं कर रहे? आई थिंक आई सी हर इन कॉलेज, शौर्य की फ्रेंड है। शी सीम्स सो आउट ऑफ द प्लेस है, जैसे गलती से आ गई हो। शौर्य को कॉल करती हूँ, अब कब तक यहाँ पे गुजारा करूंगी? इनमें से किसी को जानती तक नहीं हूँ। दीदी, हेलो। हाँ दीदी। क्यूरी बॉक्सर, पहुँच गई ना ठीक ठाक? हाँ दीदी, पहुँच गई, लेकिन 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 ये लेकिन ना दीदी, यहाँ तो शौर्य ही नहीं है और बाकी मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ। देख छोरी, तूने कहा था तो 12:30, ज्यादा से ज्यादा 1 बजे तक आ जाएगी, जैसे ही उसका केक कट जाए, उससे ज्यादा देर ना करियो। हाँ दीदी, आ जाऊंगी, बार बार एक ही चीज मत बता। अच्छा सुन, एक बात और, पार्टी पे ना बिना जाने बूझे कुछ खा मत लेना और ड्रिंक तो बिल्कुल भी मत करियो। ऐसी शहरी पार्टियों में ना दारू भी जूस सी दिखे, तो प्लीज थोड़ा सावधान रहियो। ठीक है, चल रखती हूँ। बताओ, जिसके नाम पर ये लोग मौज मस्ती कर रहे हैं वो तो यहाँ पे है ही नहीं, कैसा होस्ट है पार्टी का? ओ हेलो, हाउ आर यू, वेलकम टू द बेस्ट पार्टी ऑफ द ईयर। थैंक यू। ये शौर्य कहाँ है? अरे यार, सरप्राइज पार्टी है, दोस्त लेने गए हैं उसको, आ जाएंगे, तब तक तुम एंजॉय करो यार पार्टी। नहीं, मैं
यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, मुझे ना अजीब लगेगा। शौर्य आ जाएगा ना तो मैं अंदर आ जाऊंगी, ठीक है? अरे यार दिस इज अनफेयर यार, शौर्य आएगा और तुम बाहर वेट कर रही होगी तो उसको समझ में आ जाएगा ना यार सरप्राइज पार्टी अंदर। चलो यार पार्टी एंजॉय करते। बेटर प्लीज कम, ये हमारी स्पेशल गेस्ट है, मैडम को खाने पीने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ जूस ही देना मैम को, मैडम दारू नहीं पीती है ना। एक्सक्यूज मी, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। अरे शौर्य बेटा आजा खाना खा ले। ये कैसी अजीब सी फीलिंग है, जैसे जैसे कुछ गलत हो रहा है या गलत होने वाला है। What do I do? रह रहे के वही बेचैनी है। What is going on? क्यों लाले? अरे तेरी तैयारी किसी चाल रही है? सुन रहे ऐसे के ना? जरूर परेशान है शौर्य, कुछ चल रहा है उसके दिमाग में। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर यहाँ है लेकिन दिल दिमाग कहीं और। क्या बात है, ना दादी की बात का जवाब दे रहा ना खाने को देख रहा है, क्या हुआ बेटा? बेटा दादी सॉरी, बस मेरा दिमाग नहीं है यहाँ पे, सॉरी। हाँ वो तो दिख रहा है पर दिमाग है कहाँ? माँ पता नहीं बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ ठीक नहीं होने वाला, जैसे कुछ गलत होने वाला है। क्या क्या बुरा होने वाला बेटा? बेटा तू उड़े तो ध्यान हटा और खाना खा। मेरे होते हुए तेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, खाना खा। इतनी देर हो गई शौर्य अभी तक क्यों नहीं आया? मैम कोल्ड ड्रिंक प्लीज। ऐसी शहरी पार्टियों में ना दारू भी जूस ही दिखे, प्लीज थोड़ा सावधान रहियो। नहीं चाहिए। अरे यार कुछ तो लो, जब तक शौर्य नहीं आएगा भूखी प्यासी रहोगी क्या? या शौर्य के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हो? हाँ अरे ऐसा कुछ ना है, वो मेरी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के हिसाब से ना मेरी एक बंधी हुई डाइट है, तो मैं कुछ कम ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं खा सकती। बहाने मत बनाओ यार, ऐसा कुछ नहीं है। रहने दो यार, मेरी सूरत ही ऐसी है, कोई लड़की इतनी आसानी से मेरे ऊपर भरोसा करती नहीं। रुक मैं तेरे सामने ड्रिंक बनाता हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत ना है, मैं बोल रही हूँ ना। कैसे जरूरत नहीं है, इतनी गर्मी में तेरे को कोल्ड ड्रिंक की सख्त जरूरत है। और यार वैसे भी तू यार शौर्य की यार स्पेशल दोस्त है, और तेरी खातिरदारी नहीं की तो शौर्य हमारे ऊपर गुस्सा होगा यार। चलो मैं तुम्हारे लिए खुद बना के लेके आता। अरे अब तो सब ठीक है ना, पी लो। अरे इतनी टेंशन में क्यों बैठी हो, लग तो ऐसा रहा है कि किसी बॉर्डर पे जाने वाली हो। थैंक यू। शौर्य क्या हो रहा है देखो बेटा, न ढंग से खा रहा है ना बात कर रहा है। मेरी तबीयत तो ठीक है ना, डॉक्टर को फोन करूं कि हॉस्पिटल लेके चलूं? माँ नहीं प्लीज, मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या बात है बेटा? मुझे पता है कि इसके तार तेरे डैडी जी से ही जुड़े हुए हैं। तू और तेरे डैडी जी ये जो कुछ सोच रहे हैं और कर रहे हैं इसी की वजह से तेरी ये बेचैनी है ना। बोल क्यों नहीं रहा? बोल बेटा, चुप रहने से कोई हल थोड़ा निकलेगा, शायद बात करके ही कोई हल निकल जाए। बता ना शौर्य क्या बात है?
कुछ गलत कर रहे हो ना तुम लोग। आपको कैसे पता है कि कुछ गलत चल रहा है? मैं तेरे डैडी जी को और दादी जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जिस तरह से वो मुझसे नजरें छुपा रहे थे ना डाइनिंग टेबल पर, उसी वक्त मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है यहाँ पर। महक से बात करनी होगी। कॉल आ रहा है वहाँ कोई शोर नहीं है और शौर्य को भी शक नहीं होगा। हाँ ये ठीक लग रहा है, बेस्ट आइडिया है। चल थैंक्स शौर्य, तेरी इस कॉल ने मेरा काम आसान कर दिया। बैक फोन क्यों उठा रही है ये लड़की बिना? क्या हुआ शौर्य, कुछ बताएगा? माँ प्लीज दुआ कर, जिस बात का मुझे डर है ना वो बात ना हो। माँ प्लीज दुआ करो यार। शौर्य कुछ तो बता, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देख ये जो भी कुछ गलत काम तुम सोच रहे हो ना इसको तू रोक दे। क्या हुआ, एकदम से चक्कर क्यों आया? बिल का असर होने लगा है। ग्रेट शौर्य, तुम यार शौर्य से आराम से बैठ के बात करो, बाहर बहुत शोर है यार, बात भी नहीं हो पाएंगी और तुम्हारा सरप्राइज भी स्पॉइल हो जाएगा। हाँ पता नहीं क्यों मेरे को चक्कर आ रहे हैं यार। बात ना यार, कौन क्यों उठा रही है? ओ गौरा होप शी इज ओके। हेलो 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 मैं करण, करण तू है क्या अंदर? तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? अरे भाई कहाँ था तू, चल से जलाई हुई है, चल थोड़ी दारू पी ले फिर जाके बात कर। कॉल भी नहीं कनेक्ट हो रहा। सबसे पहले एक काम कर, तू उस लड़की के घर जा और देख कि वो लड़की वहाँ पे है कि नहीं है। माँ उसका कोई फायदा नहीं है, अरे वो लोग मेरी शक्ल देखना तक नहीं चाहते। इनफैक्ट अगर मैं वहाँ गया ना तो वो और बात खराब हो जाएगी। मुझे माँ पहले समझ जाना चाहिए था कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। जो डैडी जी इतनी आसानी से मेरी बात मान गए, अभी ना बेवकूफ हो एक नंबर का। बस आई होप मैं ठीक हूँ, बस किसी परेशानी में ना हो। सब मेरी गलती है, इट्स ऑल माई फॉल्ट। मैं आराम करने जा रहा हूं। मां एक आइडिया है। ये क्या कर रहा है तू? बेटा ये हुआ कैसे? पर मैं तो कितना मना कर रही थी, पर ये है कि बॉक्सिंग करने लगा। रत्न बॉक्सिंग, इसमें बॉक्सिंग करने की क्या जरूरत है? अरे पागला हो रहा है साइकिल। और डैडी जी वो आपके पास दर्द की दवा है ना, प्लीज प्लीज ले आइए ना। हाँ हाँ हमारे कमरे में पड़ी है, तू किसने बिठाऊ, मैं लेकर आता हूँ।
मैं बर्फ लेके आती हूँ, आप जरा हल्दी का लेप बना दीजिए। बेटा इस गाँव ने दबा कर रख, मैं हल्दी का लेप लेकर आऊँ, दबा इसने। मैं अभी आती हूँ। से बात तो हो रही है इनकी, लेकिन कुछ इन्फो मिल नहीं रहा कि आखिर चल क्या रहा है। क्या करूं यार। करण कैसा चल रहा है काम? कम ऑन, मैंने बता क्यों नहीं रहा यार। काम हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन ये है कहां? वहीं महक होगी। तू कहाँ है? मुझे भी वहीं आना है। एड्रेस दे। बुड्ढा पागल हो गया, यहाँ जवानों की पार्टी में सब ऑफ हो जाएंगे, इसको यहाँ आने की पड़ी है। अरे मैं हैंडल कर तो रहा हूँ यार। अंकल मैं हैंडल कर लूंगा, आपको अपडेट दूंगा। मुझे मत सिखा, तेरे पाप की उम्र का हूँ। मुझे पक्का करना है कि सब ऐसे ही है ना जैसे मैंने सोचा था। एड्रेस दे। और बॉटम मेंटल केस यार, आओ मरो यहाँ पे। ले बेटा दबा। रयोग चला गया। सौरे लक्ष्मी हाँ, अरे कहाँ गए सबके सब? ये अचानक कित गायब हो गया। अब इसने फोन, फोन भी गायब है। गड़बड़ तो नहीं है अंकल जी? काम स्टार्ट हो रहा है। सब सेट है ना? महक कहाँ है? और वो करण, जो इधर है लीज। करण को देखा क्या? करण कहाँ पे? नहीं ब्रो, अभी थोड़ी देर पहले यही था। फॉरगेट करण शौर्य, वी हैव बीन वेटिंग सो लॉन्ग। ही डजंट लव यू एट ऑल, वरना वो यही होता तुम्हें सरप्राइज करने के लिए। चलो शौर्य केक काटते हैं। ब्राइट यूनिवर्सिटी ऑफिस, युवराज सिंह लावत बोल रहा हूँ। एक वो छोरा आपके यहाँ करण बिस्ट नाम का, उसका नंबर दीजिए मुझे अभी के अभी, अर्जेंट। फोन उठा। करण बिस्ट, फोन उठा। यार शोरे की आवाज, रेडी हेल। गाइस ये कहाँ से आ गया यार? यहाँ युवराज अंकल ने बोला कि इस काम के हमें 20 लाख रूपए देंगे। समझ रहे हो ना? 20 लाख, बस ये काम हो जाना चाहिए पूरा, बस शौर्य हमें रोक ना पाए। महक, पकड़ो गाइस इसको, पकड़ो, बच के ना जाना चाहिए। तुम आ गए? मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा, सर घूमने लग गया तुम्हारा इंतजार करते करते। मेरी याद नहीं आई,
कहाँ थे, इतनी देर क्यों लगा दी? वो क्या ना कि तुम्हें ढूंढ रहा था, उसमें इतना टाइम लग गया। मेरा बस चलता ना मैं तो तुमसे दूर कभी जाता ही नहीं, लेकिन अगर दूर नहीं जाता ना तो पास आने का ना इतना मजा कभी नहीं आता, है ना? तो सही बात। सरप्राइज, सरप्राइज वाला, आज जन्मदिन है ना तेरा, जन्मदिन मुबारक। वो क्या कहते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन पार्टी तो अंदर चल रही है, हमें तो अंदर जाना चाहिए। वहाँ पे केक कटेगा, बिरयानी बटेगी, सब गाएंगे हैप्पी बर्थडे टू शॉर्ट। चलो ना अंदर चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉप इट, हम अंदर नहीं जाएंगे, अंदर कोई पार्टी नहीं चल रही है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर रहा हूँ। ये कैसी बातें कर रहा है तू? घर क्यों जाएंगे हम? मुझे घर नहीं जाना है, वहाँ सर जी ना तुझे उल्टा लटका देंगे। और अभी तो डांस करना है, दावत खानी है, पार्टी करेंगे। लिसन, ना तो कोई पार्टी हो रही है, ना कोई डांस हो रहा है, ना कोई बिरयानी बट रही है। हम घर जाएंगे, समझ गई तुम?